हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले दूसरे T20 मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा आज शाम 7 बजे से रांची इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, पिच रिपोर्ट की और जानेंगे कौन जीतेगा इस मुकाबले को। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएं। बात करें अगर दोनों टीमों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 18 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से दोनों ही टीमों ने 9-9 मुकाबलों में जीत हासिल की है। हेड टू हेड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों ही टीमें बिल्कुल बराबर नज़र आ रही हैं। अब बात करें अगर यहाँ पर प्लेइंग 11 की, इससे पहले अगर आप चाहते हैं इस मैच का 100% फिक्स रिपोर्ट, तो आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा बजरंगी भाई का। ये लगातार बैक टू बैक मैचेस पास करा रहे हैं, साथ में टॉस और सेशन में भी काफ़ी प्रॉफिट करा रहे हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि एक बार इनसे कॉन्टैक्ट करके ज़रूर देखिए। ये व्हाट्सअप नंबर आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करें अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो हमें इंडिया की ओर से ओपनिंग करते हुए नज़र आएंगे रोहित शर्मा और उनका साथ देने के लिए क्रीज पर मौजूद होंगे KL राहुल। नंबर 3 पर खेलते हुए दिखेंगे सूर्य कुमार यादव और नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर खेलते हुए दिखेंगे। बात करें मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर्स की, तो हमें देखने को मिलेंगे ऋषभ पंत, वेंकटेश अय्यर, अक्षर पटेल और रविचंद्र अश्विन। वहीं बात करें बॉलिंग लाइनअप की, तो इसमें मौजूद हैं भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर और मोहम्मद सिराज। इंडिया की टीम देखने में काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी? इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहेगी न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11, तो हमें न्यूजीलैंड की ओर से ओपनिंग करते हुए नज़र आएंगे मार्टिन गुप्टिल और डायरेल मिचेल। नंबर 3 पर खेलते हुए दिखेंगे मार्क चैपमैन और नंबर 4 पर ग्लेन फिलिप्स खेलते हुए दिखेंगे। बात करें मिडल ऑर्डर ऑलराउंडर्स की, तो हमें देखने को मिलेंगे टिम सेफर्ड, रचिन रविंद्र, मिचेल सेंटनर और टिम साउदी। वहीं बात करें बॉलिंग लाइनअप की, तो इसमें मौजूद हैं टॉड एस्टेल की जगह ई सोडी, लॉकी फर्गुसन और ट्रेंट बोल्ट। यहां पर दोनों टीमों का कंपैरिजन किया जाए तो दोनों ही टीमें एकदम बराबर नज़र आ रही हैं और पिछले मुकाबले में दोनों के बीच काफ़ी टक्कर का मुकाबला देखने को मिला था। अब बात करें अगर पिच रिपोर्ट की, तो यह मैच खेला जाएगा JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम रांची में, जहाँ पर अभी तक ज़्यादा T20 मुकाबले नहीं खेले गए हैं, सिर्फ 2 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से एक मुकाबले में फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने जीत हासिल की है, वहीं एक मुकाबले में सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीत हासिल की है। यहाँ की पिच आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली रहती है। यहाँ का एवरेज स्कोर पिछले दोनों ही मुकाबलों में को मिलाकर 158 रन है। हमने बात की दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अब वक्त है हमारी प्रेडिक्शन का। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर भी हम काफ़ी सारी अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं। इस मुकाबले में काफ़ी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस मुकाबले में इंडिया की टीम जीत हासिल कर सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैच की 100% फिक्स रिपोर्ट लेने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉन्टैक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ज्ञान कोश। पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएँ।